वन विभाग बिलासपुर जिला में 4 स्वर्णिम वाटिका बनाने जा रहा है। ये वाटिका जिला के हर एक विधानसभा क्षेत्र में तैयार की जाएगी, जिसमें एक वाटिका में 2 लाख रुपए तक खर्च किए जाएंगे। साथ ही 1 से 1.5 हेक्टेयर भूमि पर ये वाटिका तैयार की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और स्थान भी चिन्हित कर जल्द कार्य शुरू करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। जानकारी देते हुए बिलासपुर DFO अवनी राय भूषण ने बताया कि जिला के सदर नैना देवी झंडुता व घुमारमी में ये वाटिका तैयार की जानी है, जिसमें लोगों को सुबह शाम घूमने के लिए बेहतर वाटिका होगी। साथ ही इस वाटिका में वन विभाग की ओर से फेंसिंग कर प्लांटेशन का कार्य भी किया जाएगा। DFO का कहना है कि विभाग का मुख्य मकसद ये है कि शहर सहित गांव व हर स्थान में जितनी प्लांटेशन की जाए उतनी सही रहेगी। साथ ही इस प्लांटेशन के लिए उक्त एरिया के स्थानीय व पंचायत प्रधानों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि उक्त जिम्मेदार लोग इस वाटिका की देखरेख अच्छे तरीके से कर सकें। उन्होंने बताया कि इसके लिए निदेशालय की ओर से विभाग को बजट भी जारी हो गया है। वहीं विभाग ने जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में बनने जा रही इस वाटिका के लिए स्थान भी चिन्हित कर लिया है। जल्द ये कार्य शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि इस वाटिका के बनने से लोगों को सुबह शाम विशेषकर बच्चों के लिए खेलने के लिए एक उपयुक्त स्थान होगा। वहीं यहां पर प्लांटेशन होने की वजह से ये स्थान शारीरिक रूप से लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। विभाग का यही मानना है कि उक्त वाटिकाओं में अधिक से अधिक प्लांटेशन हो, ताकि वे संपदा सहित पेड़ों के लगने से हमारे आसपास का एरिया अच्छा हो। 4 स्वर्णिम वाटिकाएं बनवा रहा है बिलासपुर जिले में। इसके लिए ऊपर से अप्रूवल और फंड्स का अनुदान भी आ चुका है। यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 1 से 1.5 हेक्टर का एरिया चूज कर लिया गया है, और इसमें लोकल स्पीशीज इंक्लूडिंग फ्लावरिंग स्पीशीज के प्लांटेशन के साथ फेंसिंग और लोगों के रिक्रिएशन के लिए वॉकिंग ट्रेल और बैठने की जगह वगैरह वगैरह बनाने का हम कोशिश करेंगे, और ये इसी मॉनसून सीजन में कंप्लीट हो जाए ऐसा हम पूर्णतः प्रयास करेंगे।